स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को ब्लैक अल्ट्रा इन्वर्टर LED को लाइव हम दिखाएंगे कि क्या इस पे सिग्नल आते हैं या नहीं आते हैं और किन सैटेलाइटों पे आपको यहाँ पे इसको लगाने से सिग्नल मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे और जिन जिन सैटेलाइटों पे हम इसे सेट करेंगे उनको सेटिंग उनका सेटिंग का भी तरीका हम बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाली हमारी जो छतरी है लाओसेट 128.5 डिग्री ईस्ट पे सेट है और इस पे सिग्नल क्वालिटी है लगभग 62% है इस पे सिग्नल आप लोग देख सकते। अभी तक आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यहाँ पे ये जो लाइक वाला बटन है आप एक बार यहाँ पे जब क्लिक करोगे ये ब्लू हो जाएगा, तो क्लिक कर लो यहाँ पे। उसके बाद से आप नए मेहमान हो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे प्यार से एक बार क्लिक करोगे जो ये रेड कलर में था है ये देखो ये ब्लैक हो गया, ये लाल से काला हो गया। उसके बाद से उसके बगल में आपको एक घंटी नजर आ गई, आप उस घंटी को हाँ क्लिक कर दोगे तो मेरा चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और जो भी हम वीडियोज अपने चैनल पे डालेंगे उसका आनंद आप सबसे पहले ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस पे देख सकते हो कि 62% यहाँ पे सिग्नल आपको मिल जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हो सिग्नल आ और जा रहा है 62% है सिग्नल इस पे, ये देख सकते हो 62%। मैं बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सिग्नल क्वालिटी, ये आप लोग देख रहे हो सिग्नल क्वालिटी इसकी 58% एंड 62 के आसपास में है। ये देख सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी ये है। और अब हम आपको ये भी दिखा दें कि इसका एंटीने का पोजीशन आपका कुछ इस प्रकार से होगा। DD फ्रीडिस से आपको लेफ्ट साइड में एंटीने को घुमाना होगा, LNB की पोजीशन आपकी ऐसे होगी, देख सकते हो आप लोग। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको ब्लैक अल्ट्रा इन्वर्टर LNB को हम दिखाएंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से पैकिंग हो इसकी होती है और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने दिखाई थी आपको पिछली वीडियोज में। तो अब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये LNB होगी, यानी कि नॉर्मल LNB जो होती है उससे ये काफ़ी बड़ी होती है और उसके बाद इसका वेट भी होता है और उसके बाद से ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, ये यूरोप से यहाँ आता है और मार्केट में यहाँ के मार्केट में बिकता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसका लोकल भी मार्केट में होता है। तो दोस्तों कहीं आप लोग भी कहीं इसी के शिकार तो नहीं है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि साहिल भाई मेरी ब्लैक इन्वर्टर LNB में जितना सिग्नल नॉर्मल में आता है उतना ही उसमें भी आता है। तो खैर इसको लाइव टेस्टिंग करेंगे, हम इसको लगाएंगे फिर इसको हम अपने देखेंगे मीटर में कितना सिग्नल ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और उसके बाद से दूसरी छतरियों पे दूसरी भी सैटेलाइटों पे हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों बस बने रहें आप लोग और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मैंने लाओसेट पे ब्लैक अल्ट्रा इन्वर्टर LNB को मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग ब्लैक अल्ट्रा इन्वर्टर LNB को मैंने लगा दिया है। लेकिन दोस्तों मैंने इस LNB पे मैं बताऊँ मैंने 2000 रुपये खर्च किए हैं और 2000 रुपये खर्च करने के कारण मुझे क्या क्या सिग्नल मिला आप लोग देख सकते हो, सिग्नल आ रहा है और जा रहा है 62%, देख सकते हो आप लोग 62%। यार हद है यार, 2000 रुपये मेरे बर्बाद हो गए, मेरे लग गई अच्छी तरीके से मेरी लगी है। पहली वीडियोज में जिस दिन मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसी दिन मैंने टेस्ट कर लिया था, तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसकी वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों खैर कहने का मतलब ये है ओरिजिनल है, ये जिससे मैंने लिया उस बंदे ने ओरिजिनल ही दिया। लेकिन दोस्तों अब इसमें भी कहानी ये है कि ये बहुत ऐसी सैटेलाइटें हैं जिन पे ये काम नहीं करती है LNB, जैसे मेरा लाओसेट पे है, लाओसेट पे ये मेरा काम नहीं कर रहा। लाओसेट पे 58 और 62 के आसपास में सिग्नल था लेकिन ये 62 पे ही रुका हुआ है, 64 भी हो जा रहा है। तो खैर सिग्नल रुका हुआ है, इससे एक फ़ायदा आपको होगा कि सिग्नल जो अप डाउन होते हैं वो नहीं होंगे, सिग्नल एक जगह पे रोके रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि ये हर एक सैटेलाइट पे काम नहीं करता, नुकसान भी हर एक सैटेलाइट पे काम नहीं करता, अलग अलग जैसे हॉटबॉट पे काम करेगा, उसके बाद से आपका ये टेलीस्टार 138 डिग्री ईस्ट पे भी ये काम करेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अगर आप इतना ज़्यादा पैसा अगर आप लगाओगे तो फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने भी इसमें 42 डिग्री ईस्ट भी मैंने सेट किया था,
उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और नहीं तो और मेरा सिग्नल ही कुछ कुछ परसेंट मेरा घट गया। और मैंने जो इसे चेक किया है, मैंने डिश टीवी की ओरिजिनल LNB भी मैंने चेक किया है। अब बात यह है कि डिश टीवी की LNB होती है बहुत पावरफुल LNB होती है। अगर आप 60-65 रुपये 100 रुपये की LNB अगर आप लेते हो तो उसमें क्या है, उसमें सिग्नल क्वालिटी अगर यहाँ पे दिखा रहा है सिग्नल क्वालिटी 62%, तो वहाँ पे दिखाएगा 45%। ठीक है, तो बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोकल LNB लगा के दिखाएंगे और उसके बाद से इसको लगा देंगे, तो पर 15% तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिनल LNB डिश टीवी के लगा लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ख़रीदने से पहले 10 बार सोच लेना, उसके बाद ख़रीदना, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो, वो ही बेचारे फंसे ना, बर्बाद ना हो। ठीक है, हमारी हर एक वीडियो का मकसद कुछ ना कुछ होता है कि आपको सही जानकारी दें। अगर आपको अच्छी लगती हमारी बातें, हमारा चैनल, तो इसे लाइक तो कर ही के जाना। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, कोई किसी और सेटेलाइट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब ये LNB को मैंने एंटीने से निकाल लिया है और ये जो ढक्कन है इसको निकाल दिया है। अब एक मैं एक जुगाड़ लगाने जा रहा हूँ इसमें यार, 2000 रुपये तो पानी में चली गए हैं, तो अभी क्या करेंगे, इसको तोड़ फोड़ के अब इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि हमारे भी फ़ायदा हो, आप लोगों का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों आगे की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, इस वीडियो को लाइक हिट्स लाइक ज़रूर दे दो, और बस मज़ा तो आने ही वाला है इस वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियोज में, जब इसकी वीडियो आएगी, अगली वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा है। अभी इसको ये पूरा खोलेंगे, इसका रिसर्च करेंगे, उसके बाद से काम होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।